इस जगह को ना बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है. लव योर कंट्री यू शुड डेफिनेटली विजिट. ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आप काफ़ी सारा प्यार दिखा रहे हैं मेरे चैनल पे एंड आई होप एंड आई विश मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. एंड सून ही हम जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं तो कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी हम जल्दी बनाने वाले हैं. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. दिल्ली तो सबने घूमे ऑलमोस्ट, बट दिल्ली में कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज हैं जो आपने भी नहीं सुनी होगी. इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुनी, मैं भी शौक था. तो इनमें से कुछ जगह मैं गया हूँ, कुछ जगह नहीं गया हूँ. तो आज की वीडियो में अगर आप दिल्ली एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए. आज मैं आपको ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज बताने वाला हूँ दिल्ली में जो आपने कभी सुनी नहीं होगी. ये जगहें बहुत सुंदर भी हैं और बहुत यूनिक भी हैं, पुरानी वैल्यूज के साथ जुड़ी हैं. तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला आज की वीडियो में. बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो. बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वीडियो सारी देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और ग्रो होंगे और ऐसी वीडियोज़ ला पाएंगे आप लोगों के लिए. आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू करते हैं वीडियो को. अब जो सबसे पहली जगह है ना, ये मतलब लगा लो आजकल के जेंजीज के लिए, मतलब आपके बच्चों के लिए, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर कोई यंगस्टर जा रहा है, कोई कपल जा रहा है, उनके लिए जगह बहुत अमेजिंग है. दैट इज़ मजनू का टीला. मजनू का टीला बहुत से लोगों ने सुना होगा जो दिल्ली में रहते हैं, बट इनफैक्ट जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूनिक प्लेस है. तो मजनू का टीला प्रेजेंट है नॉर्थ दिल्ली में, अरुणा नगर में, ठीक है. एंड मजनू का टीला क्या है, ये एक तिब्बतन कॉलोनी है. जब तिब्बतन रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने एक कॉलोनी बसाई थी जिसका नाम था मजनू का टीला. वहाँ पे ऐसा क्या है कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए? सबसे पहली चीज़, ऐसे कपड़े, मतलब इतने अफोर्डेबल, सस्ते और ट्रेंडी और अमेजिंग कपड़े की क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, वो आपको मजनू के टीला मिलेंगे. मतलब अभी तक जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, वो आपको मजनू का टीला में. आपको पता है तिब्बतन कपड़े जो बनाते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, प्लस बहुत अफोर्डेबल होते हैं और बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़, आपको कपड़े बहुत अच्छे मिलने वाले हैं बिना किसी सोच के. सेकेंड चीज़, वहाँ पे खाना, इतने सारे फेमस कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे. आप जाओगे तो आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे. आपको जापनीज़ फूड ट्राई करना है, तिब्बतन फूड ट्राई करना है, नॉर्थ इंडियन ट्राई करना है, साउथ इंडियन ट्राई करना है. यू हैव एन नंबर ऑफ़ कैफ़ेज़ इनसाइड दैट प्लेस और आपको फील ही नहीं होगा कि आप मतलब कहीं, मतलब बहुत ही अलग सी जगह पे आया. ऐसा लगेगा ये जगह दिल्ली में भी एग्जिस्ट करती है. तो बहुत ही अच्छी सी कॉलोनी है, बहुत साफ सुथरी है एंड सारे तिब्बतन लोग उसको चलाते हैं. सो मजनू का टीला इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक टॉप मोस्ट प्लेस दैट यू नीड टू विजिट. बहुत अच्छी जगह है. इसके पास का मेट्रो स्टेशन है विधानसभा और इसकी टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे खुल जाता है, 10-11 बजे एंड टिल 7:38 तक ये खुला रहता है. इफ़ यू प्लानिंग टू गो टू दिल्ली और आप दिल्ली में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मजनू का टीला पक्का जाइए एंड यू विल थैंक मी लेटर. अब द नेक्स्ट जगह है ना, ये जगह एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है जिसका नाम है सतपुला ब्रिज, द 7 आर्क ब्रिज. ये एक बहुत पुराना ब्रिज है एंड ये लोकेटेड है आपका मालवे नगर में, खिड़की मस्जिद में. ये जगह अब क्यों फेमस है और क्यों हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है? सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक के राज के अंदर ना ये इस ब्रिज को बनाया गया था, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता था एज वेल एज़ डिफेंस वॉल की तरह यूज़ होता था. अगर कोई भी शत्रु या एनिमी उनका अटैक कर रहा है उन पर, तो ये दोनों तरीके से ये ब्रिज उनके लिए काम करता था. तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है और इट्स वन ऑफ द मोस्ट हिडन प्लेसेस इन दिल्ली. इनफैक्ट मैं कभी इस जगह पे विजिट नहीं करा मैंने, बट मैंने इस जगह के बारे में सुना है बट बहुत कम सुना है. तो अगर आप बहुत डिफरेंट चीज़ देखना चाहते हैं और आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो आपकी हिस्ट्री से कनेक्टेड है, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट. इसका मेट्रो स्टेशन है मालवीय नगर और ये ऑलमोस्ट 24 घंटे खुला रहता है क्योंकि इस पर कोई टिकट वगैरह नहीं लगती. आप जाके आराम से देख सकते हो दूर से एंड यू कैन एन्जॉय द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अटैच्ड टू दिस ब्रिज, द सतपुला ब्रिज. जो नेक्स्ट जगह है ना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, दैट इज़ दिल्ली वॉर सिमेट्री. इफ़ यू लव योर कंट्री यू शुड डेफिनेटली विजिट. यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स घायल हुए थे और जितने भी जिन लोगों ने अपनी जान को कंट्री के लिए न्यौछावर कर दिया था, उनके लिए एक सिमेट्री बनाई गई है. इट वॉज डेवलप्ड इन 1951 अलॉन्ग विद इंडियन सोल्जर्स. यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स और डच सोल्जर्स हैव बीन लेड डाउन. तो यहाँ पे 1951 में इसको बनाया गया था. तो जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, जितनी भी बॉडीज़ थी, वहाँ पे इनको लेड डाउन करा गया है. तो दिल्ली वॉर सिमेट्री आपकी दिल्ली कंटोनमेंट एरिया में आता है एंड यू कैन विजिट देयर. सुबह जा सकते हो 11 बजे 10-11 बजे से शाम के 5-6 बजे तक एंड यू कैन डेफिनेटली शुड डेफिनेटली सी एंड पे रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी हमारी कंट्री के लिए. डेटिंग बैक टू लोदीज डायनेस्टी पीरियड, एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है जिसका नाम है हिजरो का कनखा. ये जगह मुगल एरा से पहले डेवलप करी गई थी. यूनक्स को यहाँ पे बरी कहा गया था. यूनक्स का मतलब आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके एंड यूजुअली दे आर
पीपल विद नो टेस्टिकल्स, तो उनको यहाँ पे बरी करा गया था। तो इनकी एक पूरी सेमेट्री बनाई गई है जो कि लोदी डायनेस्टी एरा की है। तो ये बहुत पुरानी जगह है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिडन एंड अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन दिल्ली। इस जगह के बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना है, और ये जगह सिचुएटेड है मेहरौली में। एनी टाइम ऑफ द डे आप यहाँ पे जा सकते हो और देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे इस सेमेट्री को बनाया गया है और यहाँ पे यूनक्स को बरी करा गया है। यूनक्स आप डेफिनेटली सर्च मार सकते हैं, आपकी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दिल्ली की बहुत ही डरावनी जगह, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड अनएक्सप्लोर्ड एरिया भूली भटियारी। ये एक महल है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इन 14th century, और इस जगह को ना बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। मतलब ये एक एरिया है, जैसे करोल बाग है उसके पीछे एक एरिया है जहाँ पे आपको एकदम खाली रोड मिलेगी, और वहाँ पे आप इनका आपको वो महल दिखेगा जो बनाया गया है। और कहते हैं इस जगह पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मतलब आप देख के डर जाओगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ऐसे कहा जाता है, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हिडन एंड अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन दिल्ली। अगर आप बहुत ही थ्रिल देखना लेना चाहते हो और उस रोड पर आप शाम को जाओ या सुबह या दोपहर में जाओ, रात को मत जाना, अवॉइड करना। एंड यू कैन सी द एरिया अराउंड इट, बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब वैसे अच्छी जगह है, बट कहते हैं कि थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड एरिया, करोल बाग के पास ये जगह है, यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस एरिया। द नेक्स्ट प्लेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्लेस इन दिल्ली, मिर्ज़ा गालिब की हवेली। इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चांदनी चौक। जो आपके पर्शियन और उर्दू पोएट थे जिनका नाम था मिर्ज़ा बेग खान, उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा लाइफ के क्रूशियल मोमेंट्स एंड उनके जो आर्टिस्टिक फेमस आर्टिस्टिक वर्क्स थे वो सारे इस हवेली में थे। तो माना जाता है कि इस हवेली को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया था और इसको दोबारा रेनोवेट करा गया। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट, फील दैट एक्सपीरियंस एंड सी द फेमस आर्टिस्टिक वर्क ऑफ मिर्ज़ा गालिब जो कि पोएट थे, तो आप चांदनी चौक जा सकते हैं और वहाँ पे उनकी हवेली को विजिट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड एरिया, और इसे इन जगहों को ना बहुत कम लोग बताते हैं मैंने देखा है। तो जितनी भी आपको मैंने अभी जगह बताई है सारी अनएक्सप्लोर्ड एरिया, सारी हिडन प्लेसेज इन दिल्ली जो बहुत कम लोग विजिट करते हैं, बट अगर आप विजिट करना चाहते हैं और आप वो एक डिफरेंट जगह घूमना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दीज एरियाज जो मैंने आपको बताए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जाइए इन प्लेसेस पे, एंड कब जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना, और इनमें से आपने किन किन जगहों के बारे में पहले सुना है प्लीज़ कमेंट डाउन करके मेरे को बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, एंड स्टे हेल्दी स्टे सेक्सी एज यूजुअल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।